गंगा और अन्य नदियों के किनारे और तालाबों और अन्य जलाशयों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। सर्वोदय की साथ छठ महापर्व का प्रातःकालीन अर्ध जारी है। इससे पहले व्रतियों ने बुधवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया था। छठ पूजा के लिए गंगा घाटी पर प्रशासन के साथ ही स्थानीय पूजा समितियों की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अन्य घाटों पर भी व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लाइव जुड़ गई है। सुप्रिया, ये बताइए इस वक्त छठ पूजा को लेकर कैसा माहौल है? जी देखिए, छठ पूजा पर महादेव घाट में आपको माहौल में दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो माहौल है वो दिख रहा है। महिलाओं ने सूर्य को अर्घ दे दिया है और काफी महिलाएं जो हैं अब आज वो अपना व्रत खोलने वाली है। तो छठ पर्व का जो महत्व है वो काफी ज्यादा होता है। हमारे साथ महिला है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से आप छठ पर्व मनाते हैं? छठ पर्व बहुत मतलब सफाई से बहुत स्वच्छता रखता है और हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि मतलब क्या चीज़ शुद्ध है क्या अशुद्ध है, ये सब ध्यान दे के करना पड़ता है। आज आपने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया, क्या अब आप व्रत खोलेंगी? हाँ, अब तो अर्घ दे दिए, उगते हुए सूर्य को अर्घ दिए, उसके बाद अपना व्रत तोड़ेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि उगते हुए सूर्य को इन्होंने अर्घ दिया है और व्रत भी खोलने वाली है, वही कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। 36 घंटे का व्रत महिलाएं रखती है, कितना कठिन ये व्रत होता है? बहुत ज्यादा कठिन व्रत है। क्या कहना चाहेंगी छठ पर्व को लेकर, आपने क्या मनोकामना की है? क्योंकि कोरोना काल के बाद काफी समय के बाद ऐसा देखने को मिला है कि महादेव घाट में जो उत्साह है वो पहली तरीके से दिख रहा है। तो ऐसे पहले से तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी और अच्छा भीड़ है और ये छठ पर्व तो बहुत ही अच्छा मनाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ महिलाओं ने बताया कि काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। उगते हुए सूर्य को महिलाएं अर्घ दे चुकी हैं और अब वो आज अपना व्रत भी खोलने वाली हैं। ये पूछे कि छठ पूजा पर जो नाक से लेकर माथे तक सिंदूर लगाया जाता है और मंत्र की और गीत की काफ़ी महत्व देखा जाता है छठ पूजा पर, तो इसकी क्या मान्यताएँ हैं? जी बिल्कुल, हम कुछ महिलाओं से भी पूछते हैं कि वो ऐसा सिंदूर जो है वो क्यों लगाती है। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, नाक से लेकर के जो आप लोग सिंदूर लगाती है उसका क्या महत्व है? ये अपने सुहाग का निशानी है। पहले औरत मांग से ही सिंदूर लगाती थी, पूजा वूजा में इसका ज्यादा महत्व रहता है। इससे पता चलता है कि व्रतधारी है, इसीलिए लगाते हैं सिंदूर। जैसे कि मंत्र भी यहाँ पर काफी ज्यादा गूंजे जाते हैं, गीत भी गाया जाता है छठी मैया का, उस गीत का क्या महत्व है? गीत से अपना सूर्य भगवान को मनाते हैं, जिससे प्रसन्न होते हैं। गीत सुन के सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं, इसीलिए गीत को गाते हैं। आपको एक आध कोई गीत वगैरह याद है या गा सकती है? कौन गीत है? अब तो खत्म हो गया है, सूर्य का समय खत्म हो गया है। अब नारी अर बेसा है गैल जो ध्यान गारिया, नारी अर न मिलले राम कवनाय ए गुना, सूरज बब छ पित्र भैल कवनाय ए गुना, उगिना सूरज बबलिहिनाय रगिया। इस गीत का महत्व क्या है? सूरज भगवान को जैसे मनाते हैं उगे, जैसे सूरज भगवान आज थोड़ा उगने में निकलने में टाइम लगाते हैं, आज निकले भी नहीं, ऐसे ही अर्घ देना पड़ा, इसीलिए ये सब गीत गा के भगवान को प्रसन्न करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि गीत का भी इस पर्व में काफी महत्व होता है। भगवान सूर्य जो है वो काफी लेट निकले तो उन्हें मनाना पड़ता है कि आप उगिए तो हम आपको अर्घ देंगे। इस तरीके से महिलाएं जो है वो भगवान सूर्य को मनाती है। सुप्रिया, अच्छा, पर और लोग मौजूद है, उनसे पूछे कि कोरोना काल के बाद घाट पर छठ पूजा मनाने का काफी लंबे समय बाद मौका मिला, तो वो कितने खुश हैं इस चीज से? डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं तो उस टाइम तो सुबह में थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। हम लोग पानी में बहुत पहले निकल जाते हैं, पानी में डुबकी लगाने से
कोरोना काल के बाद काफी लंबे समय के बाद छठ पर्व मनाया गया है, क्या मनोकामना? अरे अपने मन की मनोरथ को अपने मांगते हैं जो छठी माई पूरा करती हैं, मन में अपना धरते हैं कि ये हमारा पूरा हो जाएगा तो हम ये पर्व करूंगी, यही मांगते हैं हम इस छठी माँ से। जैसा कि आपने सुना कि काफी महिलाओं ने छठी मैया को मनाया है कि कोरोना काल जो है वो कम हो, आप क्या मांग की है, आपने कब व्रत रखा है? जी मैं तो यही भगवान से दुआ कर रही हूँ कि पूरे विश्व के लिए जो भी कोरोना काल का जो अति वायरस फैल रहा है वो सूर्य भगवान ले जाए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कोरोना काल है, कोरोना काल का जो काला साया है वो छट जाए, तो ऐसी भी मनोकामनाएं महिलाओं ने की है भारी संख्या में। आपको महादेव घाट का नज़ारा भी दिखाना चाहूँगी, आप देख सकते हैं कि ये महादेव घाट है जहाँ पर कितनी भीड़ जो है वो उमड़ी थी सुबह, और अब भीड़ जो है वो धीरे धीरे छटने लगी है क्योंकि भगवान को सूर्य जो भगवान सूर्य को अर्घ इन्होंने दे दिया है और अब महिलाएँ जो है वो अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगी है। तो ये महादेव घाट का नज़ारा है जहाँ पर काफ़ी व्यवस्थाएँ कर ली गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है। सुप्रिया ये बताइए कि प्रशासन ने छठ पूजा पर घाट में विशेष तरह की तैयारियां की थी, जैसे कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए, तो वो क्या विशेष तरह की तैयारियां थी प्रशासन की तरफ से? जी देखिए प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई थी, जिला प्रशासन की ओर से ये गाइडलाइन जारी किए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का घाटों पर पालन किया जाए। इसके अलावा यदि छठ के घाट पर ज़्यादा भीड़ बनी रहती है तो उसकी जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी, ये भी जो है वो प्रशासन की तरफ से कहा गया था। तो वही जिला प्रशासन की बात करूँ तो जिला प्रशासन ने भी जो है गाइडलाइन जारी की थी, गाइडलाइन के मुताबिक ये था कि यदि भीड़ बढ़ी तो उसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। इसके अलावा ये भी जो गाइडलाइन था वो भी जिला प्रशासन की ओर से कहा गया था कि यदि महादेव घाट में किसी तरह की अव्यवस्था देखी तो उसकी भी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। इसके अलावा भी विभिन्न बिंदुओं पर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी। जी जी सुप्रिया बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।